नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इंटीरियर चैनल जीएम डेकोर पर। मित्रों, बेड बैग के पीछे जो वॉल होती है उसको डेकोरेशन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या क्या बजट के वो तरीके हैं, वो सारे हम इस छोटे से वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे 15 वेज ऑफ डेकोरेटिंग बेड बैक वॉल, और बजट भी दोस्तों उनका 1,000 रुपये से लेकर शुरू हो जाएगा और 1,00,000 रुपये तक के आइडियाज हम इस वीडियो में बताएंगे। किसी भी बेडरूम को डेकोरेट करने के लिए अगर हम बेड बैक वॉल को रिनोवेट कर देते हैं तो पूरे बेडरूम का लुक चेंज हो जाता है, तो इसके बारे में इस पूरे वीडियो में हम समझने जा रहे हैं। सब्सक्राइब करिए जीएम डेकोर चैनल को इंटीरियर रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए और कॉन्टेक्ट करिए ऑनलाइन इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए। बेड बैक वॉल को डेकोरेट करने का सबसे इकोनॉमिक और इजी तरीका है कोई भी हम 8 पीस उसके पीछे हैंग कर दें। 8 पीस के रूप में हम क्या कर सकते हैं, हमारी फैमिली फोटो लगा सकते हैं, या बेड बैक वॉल को हम एक फोटो वॉल के रूप में तैयार कर सकते हैं, कोई पेंटिंग हम परचेज करके लगा सकते हैं, विनाइल पेंटिंग लगा सकते हैं, मेटल आर्टिफैक्ट्स आते हैं बाजार में वो हम लगा सकते हैं, या फिर कोई नेचुरल मटेरियल हम लगा सकते हैं। तो बहुत सारे 8 पीस एज ए डेकोरेटिव पीस हम बेड बैक वॉल पर लगाकर हमारी बेड बैक वॉल को डेकोरेट कर सकते हैं। अब कॉस्टिंग की बात की जाए तो 1500 और 1000 रुपये से अच्छा एक डेकोरेटिव पीस हमें मिल जाएगा, और फिर आगे इसकी कीमत जैसा हम चाहें वैसे ले सकते हैं। 1000 रुपये, 2000, 5000, 10000 रुपये तक का कोई भी आर्टिफिशियल मेटल आर्ट हम पीछे लगा सकते हैं। वॉलपेपर भी बेड बैक वॉल को डेकोरेट करने के बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट है। वॉलपेपर में बहुत सारे पैटर्न आते हैं, फ्लोरल पैटर्न आता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न आता है, और आजकल कस्टमाइज पैटर्न भी वॉलपेपर में आने लगे हैं, तो इसको भी लगा के हमारी बेड बैक वॉल को हम बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। कॉस्टिंग की जहाँ तक बात करें तो 40 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 100 रुपये, 150 रुपये स्क्वायर फीट तक का ये मटेरियल बाजार में इजिली अवेलेबल हो जाता है, तो ये भी बेड बैक वॉल को एक प्रीमियम लुक देने का इकोनॉमिक और अच्छा प्रोडक्ट है। अगला प्रोडक्ट है दोस्तों पेंट। जी हाँ दोस्तों, पेंट के द्वारा भी बेड बैक वॉल को हम बहुत ही अच्छा डेकोरेटिव लुक दे सकते हैं। इसमें हम पेंट के अलग अलग ह्यूज काम में ले सकते हैं, अलग अलग कंट्रास्ट काम में ले सकते हैं, और पेंट के द्वारा भी अच्छे पैटर्न बना के हम पूरी बेड बैक वॉल का लुक नया बना सकते हैं। कॉस्टिंग की जहाँ तक बात करें तो बेड बैक वॉल को तैयार करने के लिए लगभग 70-80 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 150 रुपये, 200 रुपये स्क्वायर फीट तक का पेंट वाला काम आसानी से हम करवा सकते हैं। पेंट के बाद अगला हम नंबर लेंगे मिरर्स का। जी हाँ दोस्तों, मिरर्स भी बेड बैक वॉल को डेकोरेट करने के लिए बहुत ही ट्रेंडी प्रोडक्ट हैं। अलग अलग साइज के मिरर्स, जैसे सर्कुलर मिरर हो गया और कॉम्बिनेशन में मिरर्स हो गए, पैटर्न में मिरर डेकोरेट करके भी हमारी बेड बैक वॉल को हम बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। मिरर अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जो न केवल आपके छोटे रूम को एक बड़ा रूम जैसा लुक देगा बल्कि आपकी बेड बैक वॉल को भी एक अच्छा ट्रेंडी लुक प्रोवाइड करता है। दोस्तों, विनाइल वॉल स्टिकर्स तो आपने जरूर देखे होंगे। विनाइल वॉल स्टिकर बेड बैक वॉल में भी बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। अलग अलग पैटर्न आते हैं, जिस तरह के पैटर्न हम आपको कुछ दिखा भी रहे हैं, इनको बेड बैक वॉल में लगाकर आपकी वॉल को बहुत ही इकोनॉमिक कॉस्ट में आप तैयार कर सकते हैं। एक बेड के पीछे विनाइल स्टिकर लगाने की कॉस्टिंग लगभग 1000 से 2000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम 5000 रुपये, 6000 रुपये में अपने बेड बैक वॉल को आप विनाइल स्टिकर से आसानी से डेकोरेट कर सकते हैं। टेराकोटा ब्रिक्स भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडी प्रोडक्ट है जो कि बेड बैक वॉल में पूरी वॉल को एक ब्रिक जैसा लुक देने के लिए काम में आती है। इसके प्लैंक्स आते हैं, प्लैंक्स को दीवार पे पेस्ट कर दिया जाता है सीमेंट के माध्यम से, उसके बाद उसकी पॉलिश कर दी जाती है। बहुत ही लेटेस्ट और ट्रेंडी लुक ब्रिक वाला इस टेराकोटा ब्रिक से आ जाता है। इसकी कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग 200-250 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 400 रुपये स्क्वायर फीट तक का पूरी वॉल को तैयार करने का इसमें खर्चा आता है। रक्स, जी हाँ दोस्तों, आप सोचेंगे कि रक्स तो हम फ्लोर पे बिछाने के काम में लेते हैं, रक्स का बेड बैक वॉल पे क्या काम है, पर आजकल दोस्तों रक्स को भी बेड बैक वॉल पे डेकोरेटिव प्रोडक्ट के रूप में हैंग करके हम हमारी बेड बैक वॉल का लुक बढ़ा सकते हैं। कुछ फोटोज हमने ऐड करे हैं, अलग अलग डिफरेंट साइज के रक्स हम काम में ले सकते हैं, प्लेन रक्स काम में ले सकते हैं, मल्टी प्रिंटेड रक्स काम में ले सकते हैं, तो इससे एक अच्छा लुक हमारी बेड बैक वॉल को हम दे सकते हैं। रक्स के बाद अगला जो प्रोडक्ट आता है वो है दोस्तों कर्टेन। अब आप कहेंगे कर्टेन के लिए तो पीछे विंडो हो तो ही हम कर्टेन लगाएं, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये कंपलसरी नहीं है कि बेड बैक वॉल के पीछे विंडो होगा तो ही आप कर्टेन लगाएंगे। कुछ ट्रेंडी पैटर्न्स हैं, उस तरह से आप कर्टेन्स को हैंग करके भी हमारी बेड बैक वॉल को हम जो ट्रेंडी लुक देख सकते हैं, और एक ईजियर और एक हल्का लुक भी उससे लगता है, ज़्यादा भरा भरा रूम नहीं दिखता है और सॉफ्ट लुक पूरे बेडरूम का आता है। तो कर्टेन के द्वारा भी हमारी बेड बैक वॉल को हम बहुत ही डेकोरेटिव लुक देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग भी नहीं आएगी,
कर्टेंस और रक्स लगाने के लिए लगभग लगभग आपकी बेड बैक वॉल में 5,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए में सारा काम हो जाएगा। कई तरह के रेडी टू यूज प्रोडक्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि इंटीरियर प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आते हैं, उनको यूज करके भी आप हमारी बेड बैक वॉल को बहुत ही अच्छा और डेकोरेटिव लुक दे सकते हैं। जैसे कि लोवर्स आजकल बहुत चल रहे हैं, चारकोल्स में बहुत सारे पैटर्न्स आ गए हैं, चारकोल विथ मेटल स्ट्रिप्स आ गए हैं, तो इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज करके आपकी बेड बैक वॉल को ट्रेंडी लुक देख सकते हैं। और खास बात क्या होती है कि रेडी टू यूज़ है, इस पर कोई फिनिशिंग की या किसी तरह के केमिकल कोटिंग की जरूरत नहीं होती है, बहुत ही प्रीमियम फिनिश आता है क्योंकि फैक्ट्री फिनिश आता है तो अच्छा प्रोडक्ट रहता है, फिनिशिंग अच्छी रहती है, सारे कलर्स बहुत ही प्रॉपरली पेस्ट रहते हैं तो अच्छा लुक इसका आ सकता है। कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग लगभग 150 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 700 रुपये 800 रुपये स्क्वायर फीट तक के मटेरियल अवेलेबल है, मतलब आपकी जो दीवार है 15,000 रुपये से लेकर 70,000-80,000 रुपये तक की इन प्रोडक्ट्स के द्वारा तैयार की जा सकती है। हेडबोर्ड्स, जी हाँ दोस्तों, हेडबोर्ड भी अपने आप में बहुत यूनिक प्रोडक्ट है जिसके द्वारा आप आपकी बेड बैक वॉल का लुक प्रॉपर बना सकते हैं। अब इसके लिए ट्रेंडी हेडबोर्ड काम में आ गए हैं, कुछ हमने फोटो अटैच किए हैं जिस तरह से सर्कुलर हेडबोर्ड है, डेकोरेटिव हेडबोर्ड है, तो हेडबोर्ड की डिजाइन ही आप डेकोरेटिव करके बाकी वॉल पे आप नॉर्मल पेंट करा लीजिए, जिस तरह का पेंट बाकी वॉल्स पे हो रहा है, हेडबोर्ड को बिल्कुल ट्रेंडी कर दीजिए, उससे भी आपकी पूरी वॉल कंसंट्रेशन हो जाएगी, पूरे वॉल का लुक चेंज हो जाएगा। कॉस्टिंग की जहाँ तक बात करें तो लगभग लगभग 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक के डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट डिजाइन के हेडबोर्ड हम बना सकते हैं। हेडबोर्ड के द्वारा बेड बैक वॉल का लुक तो हमने देखा, इसके अलावा जो कुशनिंग वर्क है वो अप टू सीलिंग लेवल तक ले जाकर भी हमारी बेड बैक वॉल का हम लुक बढ़ा सकते हैं। कई तरह के पैटर्न इसके अंदर अवेलेबल हैं जो हम कुशनिंग के अंदर दे सकते हैं और पूरे बेड का और पूरे बेड बैक वॉल का लुक एक रिच लुक की तरफ हम कंसंट्रेट कर सकते हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग लगभग मिनिमम 500 रुपये स्क्वायर फीट से लेके 900-1000 रुपये स्क्वायर फीट तक का खर्चा इस तरह की कुशनिंग वर्क का आता ही है। वॉल ट्रिमिंग, जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वॉल ट्रिमिंग एक बहुत ही ट्रेंडी प्रोडक्ट होता जा रहा है जो कि इंटीरियर में खूब काम में आ रहा है। वॉल ट्रिमिंग में मॉल्डिंग्स होती है जो कि या तो चारकोल क्ले मटेरियल की बनी हुई होती है, वुडन की बनी हुई होती है, कई जगह पीओपी की मॉल्डिंग्स भी काम में ली जाती है। इनको डिफरेंट तरीके से बेड बैक वॉल में हम डेकोरेट करके पेस्ट करके भी हमारी बेड बैक वॉल का लुक अच्छा कर सकते हैं और बहुत इकोनॉमिक प्रोडक्ट है। आप मान के चलिए लगभग लगभग 10 रुपये रनिंग फिट से लेकर 30 रुपये रनिंग फिट तक के ये मॉल्डिंग्स इजीली मार्केट में मिल जाती है, तो मतलब बेड बैक वॉल को तैयार करने के लिए 10,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये में आपकी बेड बैक वॉल बहुत ही अच्छी तरह से तैयार इन वॉल मॉल्डिंग्स के द्वारा हो जाएगी। रूम में स्टोरेज की जरूरत हमेशा बनी रहती है, तो स्टोरेज ऐड करके भी आप आपकी बेड बैक वॉल का लुक बढ़ा सकते हैं। इससे दो काम हो जाएंगे, एक तो आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज भी मिल जाएगा और आपकी बेड बैक वॉल का डेकोरेशन और इंटीरियर पार्ट भी कवर हो जाएगा। अलग अलग स्टोरेज पैटर्न चलते हैं, कुछ कैबिनेट्स वाले स्टोरेज पैटर्न भी चलते हैं, हैंगिंग शेल्व्स भी चलती है, हैंगिंग कैबिनेट्स भी चलते हैं, कुछ फोटोज हमने अटैच भी किए हैं। इस तरह के स्टोरेज बना के आप आपकी बेड बैक वॉल का लुक बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज बनाने की कॉस्टिंग डिपेंड करती है कि किस तरह का स्टोरेज बना रहे हैं, क्या साइज उसकी है, फिर भी एक अप्रोक्सीमेट कॉस्ट की बात करें तो 15,000 रुपये से लेकर 30,000-40,000 रुपये का कॉस्टिंग इन स्टोरेज को बनाने के लिए मिनिमम आता ही है। सेरामिक टाइल्स का भी यूज बेड बैक वॉल में बहुत हो रहा है। आप कहेंगे सेरामिक टाइल्स तो बाथरूम के लिए, वॉशिंग एरिया के लिए बनी हुई है, नहीं दोस्तों, बेड बैक वॉल को डेकोरेट करने के लिए भी सेरामिक टाइल्स आ गई है। इसको हम डिफरेंट पैटर्न्स में कट करके पेस्ट करके भी लगा सकते हैं। कुछ विंटेज टाइल भी मार्केट में आ गई है जिसके अंदर विंटेज पैटर्न होते हैं, उनको भी बेड बैक वॉल में हम पेस्ट करके हमारी पूरी बेड बैक वॉल का लुक बढ़ा सकते हैं। इसके दो यूज हैं, अगर बेड बैक वॉल में आपकी सीलन आती है तो वो भी आपकी बची रहेगी और आपका लुक भी ट्रेंडी आएगा और ये मेंटेनेंस इज फ्री प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है, डैमेज इजीली नहीं होती है, तो सेरामिक टाइल्स को भी यूज करके आप आपकी बेड बैक वॉल का डेकोरेशन और इंटीरियर पार्ट कवर कर सकते हैं। कॉस्टिंग की बात करें तो लगभग 70-80 रुपये स्क्वायर फीट से लेकर 300 रुपये स्क्वायर फीट तक की सेरामिक टाइल्स मार्केट में अवेलेबल है। एट लास्ट हम बात करने जा रहे हैं बेड बैक वॉल को डेकोरेट करने के लिए प्लाईवुड काम में लेकर। जी हाँ दोस्तों, प्लाईवुड की डिफरेंट टाइप से पैनलिंग करके, जिससे इस तरह के कुछ पैनलिंग पैटर्न हमने दिखा रखे हैं, उसके बाद उसकी लेमिनेशन करके चाहे हम उस पर डीको पेंट करा सकते हैं, उसके ऊपर अपन विनियर चढ़ा के उसकी पॉलिश करा सकते हैं या डायरेक्ट लेमिनेट लगा सकते हैं, विनियर के साथ में, लेमिनेट के साथ में हम कुछ इंटीरियर प्रोडक्ट्स भी काम में ले सकते हैं, तो इस तरह के प्लाईवुड और उसकी लेयरिंग और उसके ऊपर डेकोरेटिव प्रोडक्ट लगाकर भी हम हमारी बेड बैक वॉल का लुक
बढ़ा सकते हैं। बहुत ही रिच लुक आएगा, पर जी हाँ दोस्तों इस प्रोडक्ट की कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है। इस तरह से प्लाईवुड पैनलिंग करके हमारी बेड वॉल को डेकोरेट करने के लिए लगभग लगभग 40,000 रुपये से लेकर 1,00,000 रुपये तक का खर्चा मिनिमम आ जाता है। तो ये भी अगर आपका बजट अलाउ करता है तो बेड वॉल को डेकोरेट करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। तो दोस्तों आपने इस पूरे वीडियो में देखा कि किस तरह से अलग अलग प्रोडक्ट्स यूज करके आप आपकी बेड वॉल का लुक अच्छा कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि किस तरह का प्रोडक्ट हमें यूज करना चाहिए, तो पहला पॉइंट तो है दोस्तों बजट। जो आपका बजट अलाउ करे वो प्रोडक्ट आप चूज करिए, क्योंकि बजट के अकॉर्डिंग आप काम कराएंगे तो काम भी आपके बजट में होगा और आपको अच्छा भी लगेगा। दूसरा मेरा सजेशन ये है कि इस तरह का प्रोडक्ट काम में लीजिए जिसको हम इजीली रिनोवेट कर सकें, क्योंकि दोस्तों बेड बैक वॉल का लुक चेंज करके हमारे पूरे बेडरूम का लुक हम चेंज कर सकते हैं। 2-3 साल एक लुक में हमने बेडरूम को मेंटेन कर लिया, पर हम कुछ रिनोवेशन चाह रहे हैं तो अगर हम केवल बेड बैक लुक चेंज कर देते हैं तो पूरा रूम हमें नया नया दिखता है। तो आप मीडियम ग्रेड के जो प्रोडक्ट है लगभग 20-30 हज़ार रुपये 40 हज़ार रुपये में जो हमारी बेड वॉल तैयार हो रही है वो अगर काम में लेते हैं तो उनको रिनोवेशन करना आसान होता है। बाकी इस तरह के और भी बेडरूम रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, इंटीरियर प्रोडक्ट्स रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। आपके प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट जरूर भेजिए, क्योंकि वही हमें डायरेक्शन देते हैं कि किस तरह के टॉपिक हमें सर्च करने हैं और किस तरह के टॉपिक आप ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, वंदे मातरम।